हाय, मेरा नाम प्रिंस है। आज का जो वीडियो होने वाला है जिसमें हम एडोब प्रीमियर प्रो के एक एरर को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम एरर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से, दिस प्रोजेक्ट कुड नॉट बी लोडेड, इट मे बी डैमेज और कंटेंट आउटडेटेड एलिमेंट्स। अगर आप इस प्रकार से एरर को फेस कर रहे हो तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो एरर है वो मेरे पास कैसे आया। तो मैं जब वीडियो एडिट कर रहा था और इंस्टेंटली साइड में एक एरर आता है, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं प्रीमियर प्रो को क्लोज करके फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये एरर शो कर रहा है, और अगर हम कोई दूसरा प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं तो ईजिली ओपन हो रहा है। तो केवल मुझे इसी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और दूसरा, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैंने 3 घंटे टाइम लगाकर इस प्रोजेक्ट को एडिट किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और बस माइंड में चल रहा था कि मुझे किसी प्रकार से इस एरर को सॉल्व करना है। तो फाइनली मुझे सलूशन मिल चुका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सलूशन है तभी काम करेगा जब आप वीडियो एडिट करते टाइम फाइल में जाकर सेव किया होगा। तो मैंने 2 से 3 बार इसको सेव किया था। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस एरर को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको जाना है दिस पीसी, फिर आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपको जाना है एडोब, यहाँ से आपको क्लिक करना है प्रीमियर प्रो 14.0, फिर आपको क्लिक करना है एडोब प्रीमियर प्रो ऑटो सेव, यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नेम फाइंड करना है, इसके बाद आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा KB का कौन सा प्रोजेक्ट है। तो मैं उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 109 KB का एक लास्ट प्रोजेक्ट मैंने सेव किया था इस डेट और टाइम को। तो चलो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है प्रीमियर प्रो के अंदर। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।